इधर की साइड भी सेम फिनिशिंग आ रही है हमारी, और इधर की साइड भी हमारी सेम फिनिशिंग आ रही है। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेसिक कुर्ता पट्टी की, आपको स्टिचिंग करने का आपको तरीका बताएंगे आज हम, और उस पर प्रॉपर फुल बैन लगा के भी दिखाएंगे वो किस तरीके से लगाते हैं। आजकल जो बैन चल रही है, जो ट्रेंडिंग बैन चल रही है, उसके बारे में आपको बताएंगे। तो हमने जो आपको बैन बताना है वो हम आपको बताएंगे, जो लो बैन होता है, एक हमारा खड़ा बैन होता है, दूसरा हमारा लो बैन होता है। इससे पहले मैंने वीडियो में उसकी कुर्ता पट्टी के आपको बताया था, तो कुछ लोगों के ज़्यादातर कमेंट जो आ रहे थे वो फुल के आ रहे थे कि फुल आप कुर्ता पट्टी के साथ बैन का भी वीडियो बनाएं। तो इस करके हमने आपको आज फुल कटिंग के बारे में उसके बताएंगे और स्टिचिंग करके भी आपको दिखाएंगे प्रॉपरली। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये दोस्तों हम कपड़ा ले लेंगे इस तरीके से पहले, उसके बाद हमने चेक करना है इसमें कि हमने वो हिस्सा इसमें यूज़ करना है जो स्ट्रेचेबल होता है, जो स्ट्रेच नहीं हो रहा तो वो वाला हिस्सा हमने यूज़ नहीं करना, तो हमने स्ट्रेचिंग वाला हिस्सा इसको यूज़ करना है। तो इसमें हम पहले इसको थोड़ा सा सीधा कर लेंगे कपड़े को, उसके बाद हम प्रेस लेंगे और उससे इसको बिठा लेंगे। इसकी जो कुर्ता पट्टी की जो हमने चौड़ाई रखनी है वो हमने अपने इंच टेप के जितना रखनी है, जितनी इंच टेप की चौड़ाई है, क्योंकि इतनी चौड़ाई जो कुर्तीज़ होती है उनमें ज़्यादा अच्छी लगती है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो हम इस तरीके से इसको सेट कर लेंगे, हम बिठा लेंगे। ऐसे ही हमने दूसरी कुर्ता पट्टी भी इसी तरीके से हमने उसको बिठाना है, वो मैं आपको बताऊँगा। तो ये हमारी दो कुर्ता पट्टी बन चुकी है दोस्तों, दोनों बराबर है, सेम साइज़ की है, कोई भी छोटी बड़ी नहीं है। तो ये जो हमारा कुर्ता है, जैसे कि ये, तो हमने फ्रंट ले लेना है दोस्तों। ये जो हमारा फ्रंट है, तो इसमें मैंने आपको गले के बारे में बताया था कि हमारा जितना गला डीप होता है, जैसे कि हम 8 इंच गला डीप रखते हैं, तो उसमें हमने आधा इंच और इसको नीचे लेना है, और उसके बाद यहाँ से हमने ऊपर की साइड से इसको 1 से 1.25 इंच के करीब, तकरीबन 1.25 इंच आप इसको ले लो, और इस पर इस तरीके से निशान लगा के इस निशान से और इस वाले निशान पर इसको हमने मिला देना है। उसके बाद हमने इसको कट कर देना है। अभी इसको नीचे तक कहाँ तक कट करना, तो जहाँ पर हमारा कुटका आता है वेस्ट का, तो आपने इसको वहाँ तक निशान लगा के और उससे 1 इंच हमने इसको ऊपर कट करना है। तो जैसे कि हमारा कपड़ा ये है, तो हमारा निशान वेस्ट का ये है और उससे 1 इंच हमने ऊपर इसको कट कर देना है इस तरीके से। ये देखिए, तो ये हो गया दोस्तों हमारा, ये कट हो गया। तो ये जैसे हमारी कुर्ता पट्टी है, हमने इसमें से एक पीस ले लेना है। उसके बाद हम अपना फ्रंट को लेके, ये हमारी उल्टी साइड है, उल्टी साइड में हमने क्या करना है, इसको रखना है हमने यहाँ पर, और जहाँ पर हमारा कट है वहीं से हमने इसको शुरू कर देना है। जैसे ये हमारा कट है, तो कट से एक पैर नीचे से हमने इसको शुरू करना है। यहाँ पर कट है तो कट से एक पैर नीचे। दोस्तों ध्यान रहे, आप जब इसका मार्जिन कटिंग करते हो तो आपका जो मार्जिन होना चाहिए वो इतना होना चाहिए। ये देखिए, ये जो हमारा मार्जिन हमने इसमें कट किया है, ये इतना होना चाहिए जितना कि पट्टी फोल्ड करने के बाद आधी हो, इतना मार्जिन हमारा होना चाहिए। जितनी अभी इसकी चौड़ाई है इतना हमने इसको मार्जिन काटना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने, नहीं तो आपकी गड़बड़ हो जाएगी पट्टी लगाते टाइम। इस पट्टी में भी इतना ही होना चाहिए और दूसरी वाली में भी सेम उतना ही होना चाहिए। उससे क्या होगा, जब हम इस मार्जिन को इस तरीके से मिला के लेंगे, यहाँ पर मिला के लगाएंगे, यहाँ पर इस तरीके से, तो जितनी चौड़ाई इस पट्टी की उतना ये मार्जिन यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये पट्टी एक दूसरे के ऊपर जानी है इस तरीके से, एक दूसरे के ऊपर जानी है, तो हमें उतना मार्जिन यहाँ से ख़त्म करना पड़ेगा, यानी कि अपनी सिलाई में लेना पड़ेगा। तो ये आप कोई भी जितनी भी आप चौड़ाई पट्टी की बना रहे हो, चाहे आप इतनी बना रहे हो, चाहे थोड़ी इससे चौड़ी बना रहे हो या इससे कम बना रहे हो, जो पट्टी होती है पट्टी का जो हाफ इतना करके जो चौड़ाई आएगी वही आपने मार्जिन रखना है। तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो हम जैसे कि अभी स्टार्ट कर लेंगे यहाँ से, तो यहाँ से हमने इसको लगाई सिलाई और इसी शेप में हम इसको घुमा देंगे। दूसरी चीज़ का आपने ध्यान रखना है सिलाई लगाते हुए दोस्तों, आपने इस तरीके से नहीं लगानी पट्टी कभी भी, ये तरीका सही नहीं है, इससे पीस में गड़बड़ होती है। तो आपने जब लगाना है तो इसके किनारों पे लगाना है इस तरीके से, ताकि आपकी अंदर की साइड से और बाहर की साइड से अच्छी फिनिशिंग आए पीस के अंदर। यहाँ पर जैसे हम आ गए, उसके बाद हमने इसको यहाँ पर इस तरीके से घुमा लेना है इस तरीके से, और इसको भी हमने इसी तरीके से पूरा कर देना है यहाँ तक। अभी इसमें हमने ये वाली सिलाई नहीं लगाई, वो आपकी मर्ज़ी है, आप लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते, इस सिलाई के बिना भी पट्टी अच्छी लगती है, पर आप लगाना चाहते हो तो पहले ही ये लगाने से पहले आप एक सिलाई इस पर भी मार सकते हो, ये इसकी किनारी पे, बट हम इसमें नहीं लगा रहे क्योंकि इसके बिना भी फिनिशिंग आ जाती है। उसके बाद हमने इधर से इस पट्टी को रखना है और सेम उसी तरीके से इसको भी हमने अटैच कर लेना है। ध्यान रहे दोस्तों, जो नीचे वाला मार्जिन है उसके अंदर झोल नहीं आना चाहिए,
तो ये आपने ध्यान रखना है। तो उसको हल्का सा खींच के रखोगे आप, और मैं जब भी इस तरह का काम कर रहा होता हूँ, पट्टी लगाने का या पाइपिंग लगाने का या बेल्ट लगाने का, जहाँ भी मेरा मशीन में डबल कपड़ा चल रहा होता है, तो मैं इसका यूज़ करता हूँ दोस्तों। ये इसका प्रेशर मैं कम देता हूँ, यहाँ पर जो घुटना लगा हुआ है, ये मैं पैर से जो इसको कर रहा हूँ इस तरीके से, तो मैं इसकी सपोर्ट लेता हूँ। इससे क्या होता है, हमारे काम में फिनिशिंग होती है। अभी अगर मैं इसको छोड़ के सिलाई लगाऊँ ना, तो एक इसमें छोटा हो जाएगा, एक बड़ा हो जाएगा। आप भी जब दो पैनल को एक साथ जोड़ते हो ना मशीन पर, तो अगर आप उसको छेड़ो ना ऐसे पकड़ के सिलाई लगाओगे, तो क्या होगा, लास्ट में जाके जो नीचे वाला हिस्सा है वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि नीचे जो होते हैं वो दाते होते हैं मशीन के, वो ज़्यादा खींचते हैं कपड़े को, और इसके ऊपर वाला हिस्सा जो होता है, ये वाला पैर वाला, वो प्लेन होता है, तो नीचे का कपड़ा ज़्यादा जाता है मशीन में। ये ध्यान रखना, जब भी आप डबल फैब्रिक को यूज़ कर रहे हो, पट्टी लगाने में, लेस लगाने में, इन चीज़ों में आपने ध्यान रखना है कि इसको हल्का सा उठा के रखना है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। ऐसा भी इतना ज़्यादा भी नहीं उठाना आपने कि ये रुकी जाए मशीन, चले ना आगे। तो आप इसकी ट्राई करते रहोगे सिलाई लगाने की, तो आपको इसकी आदत पड़ जाएगी फिर, क्योंकि ये फिनिशिंग का मेन पार्ट है दोस्तों। अगर आप इसका यूज़ करना सीख गए ना दोस्तों, तो आपका पीस एक नंबर बनेगा, कोई भी गड़बड़ नहीं होगी, ना कहीं से झोल आएगा आपके पीस में कोई भी सिलाई लगाते हुए, ना कहीं से टेढ़ा मेढ़ा होगा। तो ये सिलाई हमने दोनों लगा ली है। अभी हमने क्या करना है, इसमें हमने इस वाली साइड से इसमें लगा देने हैं कुटके। तो कुटके जो लगाएंगे हम टोटल कपड़े में नहीं लगाएंगे, सिर्फ इस वाले ही कपड़े में लगाएंगे, नीचे कुर्ता पट्टी वाले कपड़े में नहीं लगाएंगे, सिर्फ ऊपर वाले इसी कपड़े में लगाएंगे हम इस तरीके से। अभी ये वाला लेडीज़ में क्या होता है, ये वाला हिस्सा जो है लेफ्ट साइड वाला, वो नीचे की साइड आता है, और राइट साइड वाला जो हिस्सा है वो ऊपर की साइड आता है। और जेंट्स में होता है कि ये राइट लेफ्ट साइड वाला ऊपर की तरफ आता है, राइट साइड वाला नीचे की तरफ आता है। तो हम तो लेडीज़ कुर्ता बना रहे हैं, तो हमने इसका राइट हैंड वाला हिस्सा ऊपर रखना है। तो अभी ये वाला लेफ्ट साइड वाला जो हिस्सा है, उसको हमने क्या करना है, नीचे की साइड रखना है, तो हम इसको पहले फोल्ड कर लेंगे। तो ये यहाँ से रख के हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे इसमें। अभी आपने यहाँ भी वही काम करना जो मैंने आपको अभी बताया, थोड़ा सा पैर को उठा के रखेंगे हल्का सा, और ये सिलाई लगाएंगे, ताकि सिलाई हमारी काफ़ी अच्छी लगे, और इसमें झोल ना आए। नहीं तो आप कुर्ता पट्टी लगाओगे दोस्तों, आपको जो मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ, ये प्रॉब्लम आप फेस करोगे। तो इस प्रॉब्लम का हल यही है दोस्तों, कि आप इसको हल्का सा पैर उठा के सिलाई लगाओगे, तो आपकी वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये जैसे हमारी ये सिलाई लग चुकी है, देखो इसमें बिना प्रेस के कहीं से कोई झोल नहीं है दोस्तों, ये कितनी स्मूथली लग चुकी है। तो ये हिस्सा हो गया हमारा नीचे का, और ये वाला जो हम अभी लेके आ रहे हैं, ये हो गया हमारा ऊपर का। तो हमने नीचे वाला जो हिस्सा है ना, उसको थोड़ा एक्स्ट्रा है, उसको थोड़ा कट कर लेंगे, ताकि हमें लगाने में आसानी हो। अभी ये वाला जो हिस्सा है, इसमें हमने क्या करना है दोस्तों, इसको सिलाई लगाने से पहले आपने इसको ऐसे खोलना है, और ये वाला कपड़ा जो हमने इसको काट देना है इतना छोड़ के, क्योंकि इसमें मार्जिन ज़्यादा नहीं हमने डालना, ताकि यहाँ से थोड़ा पतला रहे, सॉफ्ट रहे, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। उसके बाद हम इसको ऊपर की साइड से लेके वैसे ही सिलाई लगा लेंगे। अभी ये इस पॉइंट पे जब हम आ जाएंगे, ये वाले पॉइंट पे, तो वहाँ लाके हम मशीन रोक देंगे। तो सुई हम नीचे रखेंगे, उसके बाद वहाँ रोक देंगे हम इसको मशीन को, और इसको हम सेट कर लेंगे यहीं पर इस तरीके से, और अंदर वाले हिस्से को भी चेक कर लेंगे कि वो सीधा है कि नहीं है। तो इसको इस तरीके से सेट कर लेंगे, देखिए, और इसको भी कर लेंगे, और यहाँ से हम रखेंगे ऊपर से मिला के इसको, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। इस तरीके से बिल्कुल बराबर रखेंगे इसको दोस्तों। अभी ये जो है, इसको भी हमने देख लेना है कि ये सेंटर में आ रहा है कि नहीं। तो इसमें जो एक्स्ट्रा हो रहा है, इसको आप अभी काट लोगे, क्योंकि हमने सिर्फ इसको एक इंच ही दिखाना है, क्योंकि पट्टी की जो चौड़ाई है वो कम है, तो नीचे से ये चीज़ भी लंबी नहीं होनी चाहिए, एक इंच की ही रहनी चाहिए। तो हम इसको लगा देंगे इस तरीके से सिलाई, उसके बाद इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और इसको देखेंगे कहाँ ये सीधा बैठ रहा है, टेढ़ा ना हो। इसको ऐसे इस तरीके से सेट कर लेंगे, जैसे अभी ये है, और नीचे के कपड़े को हल्का सा खींच के रखेंगे इसको, ताकि इसमें झोल ना आए, ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है दोस्तों। उसके बाद हम अपनी सिलाई वैसे ही हल्का सा हम ये पैर का सहारा लेके ऊपर करेंगे इसको, पैर को। ये आपने दोस्तों ज़रूर करना है, कोई भी इस तरह का काम कर रहे हो आप, तो थोड़ा सा घुटने का सहारा आपने लेना है ये वाला। जितने भी फिनिशिंग के दोस्तों काम होते हैं, उसमें इसका यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा जोर दे रहा हूँ इस चीज़ पर। आप करोगे तो आपको पता लग जाएगा, आपको काम करने में भी मज़ा आएगा, फिनिशिंग खुद ब खुद निकल के आएगी आपके हाथ में।
तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारी कुर्ता पट्टी बन चुकी है। अभी यहाँ से आप इसको अटैच भी कर सकते हैं, तो वो मैं भी करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर हम रखेंगे मशीन अपनी और हम इसको कर लेंगे अटैच, क्योंकि हम इसमें कोई बटन यूज़ नहीं कर रहे, हमने बटन सिर्फ इसके ऊपर से ही लगाने, हमने सिर्फ स्टाइल ही देना है कुर्ता पट्टी वाला। तो जहाँ तक इसकी शेप आ रही है बस वहीं तक हम इसको लगाएंगे, बाकी हम इसको इसी तरीके से छोड़ देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, इसको हम इस तरीके से प्रेस से बिठा लेंगे। तो ये हो गया उसके, अभी मैं आपको बताता हूँ इसकी बेल लगाने का। तो मैं कंधी जोड़ देता हूँ पहले इसकी, उसके बाद मैं आपको इसका हल्ला काट के दिखाऊंगा वो किस तरीके से कट होता है, और प्रॉपर बेल लगा के भी दिखाता हूँ वो कैसे करना है। एक पैर की हम इस पर सिलाई लगा लेंगे, आधे पैर की इस तरीके से, क्योंकि ये वाला हिस्सा अगर अंडरग्राउंड जुड़ता है तो इसकी तीरे की जो है वो पकड़ अच्छी होती है, और थोड़ा फिनिशिंग वाला भी काम हो जाता है। तो मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जिससे फिनिशिंग आती है पीस के अंदर। ये हो गया हमारा दोस्तों, इसको हम थोड़ा एक्स्ट्रा है इसको कट कर लेंगे यहाँ से, उसके बाद हम इसको फोल्ड कर देंगे इसी तरीके से। तो इसको आपने इस तरीके से पहले नाखून लगा लेना है ऐसे, ये हिस्से पे भी ऐसे लगा लेना है, और इसको हमने वापस इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। और दूसरी वाली कंधे पे भी हम वैसे ही सिलाई लगा लेंगे। तो कंधी दोस्तों हमारी जुड़ चुकी है। अभी हमने आपको बताना है कि इसको हम कटिंग कैसे करेंगे, किस हिसाब से करेंगे, और फिर प्रॉपर बैन कैसे लगाएंगे फिर हम इसके। तो ये हमारी कंधी हो गई दोस्तों, क्योंकि बैन वाले में कंधी एक्स्ट्रा कटती है 1 इंच पीछे से, बैक का जो पल्ला होता है मैंने आपको कटिंग में बता रखा है वो तरीका, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं बैन कॉलर वाली शर्ट की कटिंग कैसे करते हैं, मेरे चैनल पर वो वीडियो पड़ी है दोस्तों, आप उसको वॉच कर सकते हो। तो अभी हम इसको काटेंगे इसके हल्ले को, उसका हिसाब हम आपको बता देते हैं वो कैसे काटना होता है। तो इसको हमने इस तरीके से लेना है दोस्तों। तो अभी हम आपको लेके चलते हैं सीधा काउंटर पे, तो वहीं हम आपको इसका तरीका बताएंगे कटिंग करने का। तो दोस्तों ये हमारा हल्ला है, अभी हम इसमें काटना है कॉलर, यानी कि इसको कटिंग करके हमने इस पर बैन लगाना है। तो इसमें हमने क्या चेक करना है, एक तो ये चेक करना हमने कि ये ऐसे हमें 3 इंच आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये 3 इंच नहीं है तो आप इस पर निशान लगा लेंगे जहाँ पर 3 इंच आ रहा है, एक ये चीज़ हो गई। दूसरा इसमें हमने चेक करना है यहाँ से, ये हमारा कम से कम 4 इंच आना चाहिए, यहाँ से हमने इसको रखना है 4 इंच, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमने इस तरीके से इसमें शेप दे देनी है ये वाली। अगर आपको ऐसे समझ ना आ रहा हो दोस्तों तो मैं आपको ये तरीका भी बता सकता हूँ एक, क्योंकि इसको हमने ये उरेब में आड़ी कटी हुई भी है, तो इसके लिए आप ऐसे निशान उठा सकते हो जहाँ पर ये पट्टी की गोलाई बैठ रही है। तो ये अभी ये सीधी हो गई हमारी, तो आप इस तरीके से पूरी गोलाई भी चेक कर सकते हैं इसकी कि ये ठीक आ रही है कि नहीं, ठीक है दोस्तों। और पीछे से हमने इसको आधा इंच और नीचे ले गए, यानी कि आप ये चीज़ ध्यान रखो, जैसे कि यहाँ से हमारा ये है, इस तरीके से हम निशान लगा लेते हैं, और इस तरीके से हम निशान अगर उठाते हैं इसमें, ऐसे आपने सीधा निशान उठा लेना एक, उसके बाद एक ऐसे सीधा निशान उठा लेना। तो इस कॉर्नर से आपने इसको चेक करना है कि ये 2 इंच है कि नहीं है, ऐसे हमने 2 इंच का निशान लगाना है यहाँ दोस्तों। ये आप ये सोच रहे होगे कि ये ज़्यादा कट जाएगा, 2 इंच तो बहुत होएगा, ये 2 इंच इसलिए नहीं होएगा टोटल, क्योंकि हम इसको क्रॉस निशान लगा रहे हैं। अभी हम अगर वैसे देखेंगे तो ये यहाँ पर है, तो ये सिर्फ आधा इंच ही कटिंग हुआ है पीछे की साइड, क्योंकि आधा इंच तो इसमें चला गया है मार्जिन में, हमने 1 इंच ही कट किया था। तो ये जो टोटल कटिंग होता है वो 2 इंच कटिंग होता है, उसमें से 1 इंच तो आधा इंच तो कंधी में चला जाता है हमारा, ठीक है, बाकी बचता है 1.5 इंच। तो क्योंकि बैक एक्स्ट्रा कटी हुई होती है, 1 इंच हमारा फोल्ड होकर आ जाता है आगे की साइड, तो जो कंधे कंधी का जो मेन हिस्सा आएगा सेंटर का वो तो यहाँ आएगा, तो इसमें बचा कितना, आधा इंच बचा, तो उतना आधा इंच हमें चाहिए होता है बैक के लिए। नहीं तो क्या होएगा, अगर आप इसको कम कटिंग करते हो तो आपकी जो आगे का हिस्सा है ये वाला हिस्सा शर्ट का वो खड़ा हो जाएगा, आगे इस तरह प्लेट आएगी बनती हुई, ये वाला हिस्सा आपका खींच मारेगा पीस का, आगे से इस तरीके से खड़ा होएगा पीस आपका। आपने देखा भी होगा सूट जो इस तरह के बने होते हैं वो आगे से यहाँ से पेट से खड़े होते हैं पीस, उसमें एक प्लेट सी पड़ रही होती है नीचे तक, वो जो कमी होती है वो इसी की कमी होती है कि ये कम कटा हुआ होता है दोस्तों। तो ये शर्ट जो है वो आगे जाना मांग रही होती है, बट ये कम कटने की वजह से आगे जा नहीं पाती है, तो वो ये हिस्सा खड़ा हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम आती है। इस करके ये पूरा 1.5 इंच आपने 2 इंच काटना है इसको। काटना कैसे, मैं दोबारा निशान लगा देता हूँ। इस कंधी की इसी शेप से बिल्कुल आपने इस तरीके से निशान लगा लेना है, उसके बाद ऐसे निशान लगा लेना है,
यहाँ से आपने चेक करना है कि ये 2 इंच है कि नहीं है, तो 2 इंच ही हो गया हमारा। उसके बाद ये जो हमने निशान लगाया था, हमने सीधा इसको इस तरीके से मिला देना है, क्योंकि ये दोस्तों लो बैंड है, ये खड़ा बैंड नहीं है। क्योंकि आजकल लो बैंड का ट्रेंड है, ज़्यादातर लो बैंड चल रहा है, खड़ा बैंड का ज़माना गया। खड़ा बैंड सिर्फ कुर्तों में लगता है, जो जेंट्स कुर्ते होते हैं बस उनमें चलता है खड़ा बैंड। लेडीज़ कुर्ती में सिर्फ लो बैंड ही चलता है अभी। अभी इसको हम इस निशान पर इस तरीके से कट कर लेंगे। इसमें आपने दोस्तों एक चीज़ का और ध्यान रखना है, ये तो हो गया बेसिक कटिंग होगी इसकी, ये इतनी। उसके बाद हम जो डम्मी पे साइज़ लेते हैं गर्दन का, गोलाई में, जैसे मैंने अपनी मेजरमेंट की वीडियो में बताया था, जो मैंने शर्ट कटिंग करके दिखाई थी अपनी वीडियो में, उसमें मैंने गोलाई का साइज़ लिया था नेक का, कि हमारी गर्दन कितनी मोटी है, थोड़ा लूज़ साइज़ हम लेते हैं, तो उसकी ज़रूरत हमें इसमें नहीं पड़ती है, क्योंकि ये थोड़ा लूज़ ही बनता है, थोड़ा बड़ा ही बैन आता है। तो जो खड़ा बैन होता है उसमें अगर आपका 15 इंच आ रही है बैन ऐसे, तो जो लो बैन होता है उसमें आपकी कम से कम 3 इंच ज़्यादा आएगी, 18 इंच आएगी। वो क्यों आएगी, जब ये बैन हम लगा देंगे तो आपको बताएंगे वो क्यों आती है। क्योंकि ये बैन होता है लेटा हुआ, ये गले से गर्दन से चिपका हुआ नहीं होता है। तो अभी हम इसको चेक कर लेंगे कि ये कितना रहे। तो यहाँ से हम इतना एक पैर का इसका मार्जिन छोड़ के चेक करेंगे दोस्तों। तो यहाँ से इस तरीके से लेंगे, ऐसे हम चेक करेंगे दोस्तों, यहाँ से जितना हमने मार्जिन बैन में लेना वहाँ से हम चेक करके लाएंगे इसको। तो ऐसे लेके आएंगे, ऐसे लेके आएंगे इसको, इस तरीके से, इस तरीके से। हर इंच पे आपने फिंगर रखते हुए जाना है और आपका साइज़ आपको निकल के आपके हाथ में आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, तो ये जो पूरा पूरा हमारा 18 इंच आ रहा है, तो इसका साइज़ हो गया। अब इसको हमने एक बारी और चेक कर लेना है इस तरीके से, कि इसकी शेप निकल के क्या आ रही है, क्या इसकी शेप अच्छी शेप आ रही है। तो ये हमने चेक कर लेना है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, इसकी जो शेप आ रही है वो ये आ रही है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये अभी भी छोटा है, इसको हमें थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी बैन आएगी वो आगे लेटती हुई आएगी, तो ये चीज़ कम हो जाएगी। तो इसकी जो चौड़ाई है दोस्तों वो 6.5 आनी चाहिए। आप इस तरीके से रख के एक बारी काटने के बाद, क्योंकि मैंने आपको ज़्यादा कटिंग करके इसलिए दिखाया, हल्ला बड़ा हो जाता है फिर वो कम नहीं होता। तो आपने बेसिक ही काटना है, जो मैंने आपको बताया 6 इंच का निशान लगा के इस तरीके से 3 इंच चेक करके, और इसको चेक करना है कि ठीक आ रहा है। तो हमें जो चाहिए वो 6.5 चाहिए, ऐसे चौड़ाई इसकी 6.5 आनी चाहिए लो बैन में। तो क्या 6.5 आ रही है, नहीं आ रही हमारी। तो हम इसको 6.5 की बजाय हम इसको 6.25 इंच रखेंगे, ताकि ये बैन लगने के बाद 6.5 हमारा रेडी आ जाए ये। तो अभी इतना इतना एक पैर का हिस्सा हमारा ये और जाएगा अभी। तो ये वाला हिस्सा हमने इसको एक पैर और कटिंग कर लेना है। अब वो करना कहाँ से कहाँ तक है वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। तो हम इसको इस तरीके से रख लेंगे। तो ये जो वाला हिस्सा जो दोस्तों, हमने इसको नहीं छेड़ना, अब ये हमारा फाइनल कटिंग होता है ये वाला। अभी जो हमने इसको छेड़ना है वो कहाँ से छेड़ना है, वो ये वाला एरिया, ना ही हमने इसको आगे वाले हिस्से को छेड़ना है दोस्तों, ये वाला हिस्से को। ये दोनों पॉइंट नहीं छेड़ने। तो हमने शुरू तो यहीं से करना, बट इस तरीके से करना है, और ऐसे ही यहाँ से हमने स्टार्ट करना है इस तरीके से। तो ये ब्रॉड हो जाएगा हमारा गला, और इस तरीके से हम इसको कट कर देंगे। ऐसे ही यहाँ से कट कर लेंगे इसको हम। तो ये देखिए दोस्तों, अभी जो इसकी चौड़ाई आ रही है वो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी आ रही है, जैसी मुझे चाहिए थी। तो ये इसकी चौड़ाई आ रही है दोस्तों। अभी हम आपको दिखाते हैं दोस्तों, जैसे कि ये पेपर फ्यूज़ है, उसके बाद हम इस पर एक निशान उठाएंगे ऐसे, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद एक निशान यहाँ पे उठाएंगे हम 3.5 इंच का, इस तरीके से। और आपने यहाँ से इंची टेप रखना है, यानी कि आपका जो बैन आ रहा है आपने यहाँ से इंची टेप रखना है इस तरीके से दोस्तों। तो 18.5 इंच बैन आ रहा है हमारा, उससे पहले आपने एक निशान लगा लेना है यहाँ पर 7 इंच, यानी कि 3.5 इंच, 7 इंच का आधा। और उसके बाद आपने इस तरीके से इंची टेप को रखना है इस तरीके से, देखिए। और आपने चेक करना है आपके जो बैन का साइज़ वो कहाँ पर जा रहा है। तो हमें 18.5 इंच चाहिए, तो हम इस तरीके से यहाँ पर निशान उठा लेंगे ये, और इसको हम शेप दे देंगे इस तरीके से, इस तरीके से। और जितनी हमने इसकी चौड़ाई रखनी दोस्तों, तो हमने जितना चौड़ा हमारा इंची टेप है उतनी चौड़ी हमने इसकी चौड़ाई रखनी, बैन की भी जितनी कुर्ता पट्टी की चौड़ाई है उतनी हमने इसकी रखनी है। तो इस तरीके से हम इस पर भी निशान उठा लेंगे सेम वैसा ही, इस तरीके से। और इसको यहाँ से हम गोलाई दे देंगे इस तरीके से, और हम इसको अभी कर देंगे कट। कटिंग करने में आपने बिल्कुल पूरी प्रॉपर वही करनी है, ताकि तो ये हमारी बैन कट चुकी है दोस्तों। हम इसको इस तरीके से सेट करके देखेंगे कि इसकी फिनिशिंग क्या आ रही है। तो ये देखिए दोस्तों, ये भी जो बैन आएगी हमारी वो इसी स्टाइल में आएगी, इस तरीके से ये बैन आएगी दोस्तों हमारी। और बहुत ही स्मार्ट लगता है बैन देखने में इस तरीके से, अगर आप लगाओगे ये वाला उरेब, ऐसे भी रख सकते हो आप, इस तरीके से भी रख सकते हो आप, और आप सीधा भी रख सकते हो दोस्तों, दोनों तरीके से आप लगा सकते हो। तो मैं थोड़ा सा उरेब कर लेता हूँ इसे।
ले लो दोनों तरफ से, ठीक है। जैसा भी आपके पास कपड़ा अवेलेबल हो उस तरीके से आप इसको ले सकते हैं। बट मैं राय आपको दूंगा दोस्तों, आप उरे भी ही कपड़ा लोगे, नीचे वाला भी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बैन लगाते हुए थोड़ा छोटा बड़ा अगर नीचे वाला कपड़ा हो जाता है तो वो स्ट्रेचेबल की वजह से ना एडजस्ट हो जाता है। अगर सीधा कपड़ा लेते हैं तो वो एडजस्ट नहीं हो पाता है, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो अभी हम चलते हैं मशीन पर। तो दोस्तों ये कपड़ा है हमारा, तो हम इस पर इसके किनारे पर इस तरीके से सिलाई घुमा देते हैं, यहाँ पर इस तरीके से। ये हमारी सिलाई लग गई है, हमारा नज़र ना आए। तो ये देखिए दोस्तों, मार्जिन हम लेंगे इसमें एक पैर का, ये भी आपने बराबर कट करना है इस तरीके से पकड़ के। इस तरीके से, और इसको लगा लेंगे हम कुटका सेंटर में, एक कुटका लगा लेंगे दोस्तों इस तरीके से। अभी हम लेंगे इसको अपने कपड़े को, तो इसको हमने यहाँ से इसको भी एक फुटका लगा लेना है, ये इसकी क्रीज है सेंटर वाली, तो इसको भी हम लगा लेंगे। और एक बारी दोस्तों लगाने से पहले आप इस तरीके से चेक कर लेंगे कि क्या ये बैन और ये चीज़ सही है। भले से ही आपने दोस्तों नाप के कटिंग किया हो या नाप के किया हो, एक बारी चेक कर लो आप लगाने से पहले, नहीं तो फिर आपको खोलना पड़ जाएगा। तो ये हमारा ठीक आ रहा है, क्योंकि हल्ला हल्का सा टाइट ही आना चाहिए, कम ही आना चाहिए बैन से, नहीं तो अगर हल्ला ज़्यादा होता है तो यहाँ पर झोल पड़ते हैं। ये आपने ध्यान रखना है, बैन हाले से आधा इंच बड़ी होनी चाहिए टोटल, अगर 17 है तो 17.5 होनी चाहिए, तभी आपकी फिनिशिंग आएगी हाले में लगाते हुए। तो इसको करना हमने उल्टा इस तरीके से, और आपने जो बैन दोस्तों स्टार्ट करना है ना, वो सेंटर से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना आपने बैन लगाने की, यहाँ से, ताकि आपका जो सेंटर वाला हिस्सा है वो बिल्कुल ठीक आए और आप दोनों साइड बराबर मैनेज कर सको इसको। तो बैन में भी आपने उठाना नहीं है, इस तरीके से हम इसको लगाएंगे। हल्का सा नीचे वाला कपड़ा हम खींच के रखें, क्योंकि बैन हल्की सी हमारी बड़ी है, तो ज़्यादा नहीं खींचना आपने, ऐसा भी ना हो कि फलक जाए आपका हला। और ये इस तरीके से दोस्तों आप इसको सिलाई लगाते हुए यहाँ पर ले जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर कॉर्नर पे बैन थोड़ा सा कम आना चाहिए नोक पे, अगर बैन आपका बराबर आएगा तो आप जब इसको ऊपर वाली सिलाई लगाओगे तो इसमें ठोके निकल जाएगी इसके, ये वो बहुत गंदा लगता है। बैन हमेशा थोड़ी पीछे रहनी चाहिए एक पॉइंट, और आपने धागा भी पीछे ले जाके तो कटिंग करना है, यहाँ किनारे पे कट नहीं करना, वो धागे फिर नज़र आते हैं, तो आपने पीछे ले जाके चाहे आप इतना एक्स्ट्रा कटिंग कर दोगे तो भी चल जाएगा, बट करने आपने कटिंग जो करना है वो धागे पीछे मशीन उठानी है, यहाँ पर लाके मशीन आप वापस ले जाओ पीछे और यहाँ लाके कट करो, क्योंकि जब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे दोस्तों यहाँ पर ये फिनिशिंग रहेगी प्रॉपर, यहाँ पर कोई चीज़ नहीं आएगी आपकी। अगर आप यहाँ किनारे पर लाके कट करते हो तो छोटे छोटे धागे जो होते हैं वो गंदे लगते हैं, तो वो प्रॉब्लम आएगी आपको। और इधर से स्टार्टिंग करोगे आप तो उसमें क्या करना है उसमें मैं बता देता हूँ दोस्तों। तो वैसे ही एक पॉइंट हल्का सा हमने कपड़े को ही हाले को ही आगे रखना है, बैन को एक पॉइंट हमने पीछे रखना है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर हम सुई नीचे लेके जाएंगे और ये वाले धागे हम थोड़े से लंबे कर लेंगे, ये वाले, और पक्का करेंगे इसको और चला देंगे। ये धागे हमने कट नहीं करने दोस्तों, और इसको भी हम इसी तरीके से लगाते हुए जाएंगे, और यहाँ लाके आप इसको मशीन को निकाल देंगे। अभी ये वाले धागे दोस्तों आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा इतने छोड़ के आपने कट करना है, उसके बाद आपने जो दोस्तों सिलाई दूसरी स्टार्ट करनी है वो भी यहीं से स्टार्ट करनी है, सेंटर से ही इस तरीके से, ताकि हम घुमा के पूरी बैन पे लेके जाएंगे सिलाई और वहीं पर ला के रोक देगी। तो इस तरीके से हम सिलाई लगाते हुए लाएंगे, सिलाई हमारी एकदम सीधी होनी चाहिए दोस्तों, और इस तरीके से हम इसको सेट करते हुए, सिलाई जो है दोस्तों ये वाली हमारी बाहर नज़र नहीं आनी चाहिए, ये चीज़ का ध्यान रहे। तो यहाँ पर हम छोटे किसी चीज़ का यूज़ कर लेंगे दोस्तों इसको अंदर करने के लिए थोड़ा सा, क्योंकि सिलाई जो नज़र आ रही है इस तरीके से, और ये सिलाई हम यहाँ ला के रोक देंगे। उसके बाद हम यहाँ से इस तरीके से गोलाई देते हुए जाएंगे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये हिस्सा ही मेन होता है फिनिशिंग का, तो ये थोड़ा सा आराम से आप सिलाई लगा लोगे, उसके बाद ये वाली सिलाई आप उसी तरीके से लगाते चले जाओगे।
और इसको हम वैसे ही ले आएंगे उसी पॉइंट पे। अब इधर से भी हमने थोड़ा सा किसी चीज़ का सहारा ले लेना है, छोटा पेचकश हो आपके पास या चिमटी हो तो वो ले लेंगे दोस्तों इसको अंदर करने के लिए। इस तरीके से ये कुछ भी मालूम करना है आपने तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं अपने हर व्यूअर का दोस्तों रिप्लाई करता हूँ कमेंट में। और ये हमारी सिलाई हो गई दोस्तों कंप्लीट। तो दोस्तों देखो ऐसे बैन लगाने का क्या फ़ायदा होता है, देखो दोनों तरफ सेम फिनिशिंग आती है, इधर इधर की साइड भी सेम फिनिशिंग आ रही है हमारी और इधर की साइड भी हमारी सेम फिनिशिंग आ रही है। देखिए ये देखिए दोस्तों अभी दोस्तों बन चुकी है। अभी हम इसको आपको डम्मी पे डाल के भी दिखा देते हैं एक दफ़ा।